काफी इंटरेस्टिंग चीज लगा, इतना बड़ा सा एक कढ़ाई सिर्फ चुस्ता जो है वो बना हुआ है यहाँ पे। ये साइज देखिए, तो बहुत लोग जो है वो सिर्फ चुस्ता खोजते हैं, चुस्ता खाना चाहते हैं। अगर आपको खाना है, मन भर के खाना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ चुस्ता का कोई कमी नहीं है, जितना चुस्ता आप खाना चाहें उतना चुस्ता है। ऐसे 100 किलो मटन खत्म हो जाता है दिन भर में? 100 किलो। अच्छा, यहाँ ये सिस्टम भी है कि आप कस्टमर को खुद बोल देते हैं कि आप निकालिए? नहीं, निकालने के नहीं, हम बोले कि आप देख के निकलवा लीजिए, फिर बाद में देने के बाद में बोलेंगे कि पीस गड़बड़ है, ये है, वो है, तो अच्छा नहीं लगता है ना। डिमांड इसी का है, इसका ज्यादा डिमांड है। तो ये है बिहार में चुस्ता का क्रेज बना है, और भैया बता रहे हैं कि सारा जो बिक जाएगा और क्वांटिटी अच्छा खास। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। फिलहाल हम लोग हैं हाजीपुर में, और हाजीपुर में आज से लगभग 1-1.5 साल पहले आए थे, 2-3 शॉप को कवर किए, आज वापस से आए हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में यहाँ के सबसे पॉपुलर, मतलब हाजीपुर का सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस शॉप। अगर आप पूछिएगा लोगों से तो आपको बताएंगे तृप्ति मीट हाउस। जब हम लोग लास्ट ब्लॉग शूट किए थे उसमें भी कमेंट सेक्शन में था कि यहाँ आइए, तृप्ति मीट का खाइए, उसका टेस्ट बताइए। तो आप वापस से आए हैं, कवर करने वाले हैं तृप्ति मीट हाउस को, सारा जो माहौल है दिखाते हैं, सब कुछ बना हुआ है, बन के रखा हुआ है, तो वो दिखाते हैं और खा के टेस्ट बताते हैं। ये जो इधर आप लोकेशन देख सकते हैं, गांधी चौक साइड कहते हैं, मंदिर है, मंदिर से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो लाइन से अलग अलग मटन का दुकान है। ये बगल में मिर्ची मटन हाउस है, इसका भी वीडियो हम लोग बनाए थे, और यहीं पर है ये तृप्ति मीट पराठा। और बोर्ड पर देखिए, ये लिखा हुआ है 100% प्योर नॉन वेज। ये काफ़ी यूनिक चीज़ आपको हर जगह देखने को मिलता होगा, प्योर वेज, बट ये है प्योर नॉन वेज होटल, यहाँ वेज का कोई नामो निशान नहीं है। आपका गांधी चौक हाजीपुर, हम देखें कि यहाँ लाइन से सब मटन पराठा, मीट पराठा यही है, लेकिन सबसे पुराना तो यही है ना, सबसे पुराना, सबसे फेमस यही है तृप्ति मीट पराठा। कितने दिन से है, कब से है? बहुत दिन हो गया, मिनिमम 11-12 साल हो गया। 11-12 साल है, और अभी के टाइम में तो मतलब हमको लगता है 50 मीटर के डिस्टेंस पे अलग अलग शॉप मटन का मिल जाएगा। हाँ, सब मिलेगा। लगभग कितना मटन यहाँ निकलता है एक दिन में? वही अभी के डेट में वही 80-90-100 पहुँचता है, लेकिन अभी थोड़ा ठंडा है, इसके कारण आदमी नहीं आ पा रहा है ना। ऐसे 100 किलो मटन खत्म हो जाता है दिन भर में? 100 किलो। अच्छा, और सब कुछ अभी बन के रखा हुआ है? अभी बना हुआ है, आपको लड़ चुस्ता भी मिलेगा, चिकन मिलेगा, मटन मिलेगा, सब है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हर चीज को सजा के रखा गया है, इधर भी कुछ है, इधर भी है, और इधर भी है। ये हो गया भैया चिकन, चिकन है। ये कौन सा डिश हो गया चिकन का? चिकन स्टू, चिकन कढ़ाई है, वही कढ़ाई मनी स्टू मनी दोनों एक ही है। इसका क्या रेट होता है? ये 700 रुपये किलो है, 30-45 रुपये का होगा पीस। ज़रा दिखाइए उठा के। अच्छा, ये हो गया पीस का साइज़, और 45 रुपये का एक पीस है जी। ऐसे आप लोग मतलब किलो के हिसाब से बेचते हैं? किलो 700 रुपये किलो है, पीस पर लीजिएगा तो 45 रुपीज़ एक पीस का होगा। ये हो गया लड़ चुस्ता जी, ये 1000 रुपये किलो बिकता है। आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं, 200 ग्राम भी ले सकते हैं। ये मतलब अलग से सिर्फ लड़ और चुस्ता को एक साथ बनाते हैं? अलग से एक साथ बनाते हैं। अच्छा, इसका भी डिमांड होता है यहाँ पे? बहुत सारा, ये सब बिक जाएगा अभी। ये अभी तुरंत बना लग रहा है, गरम गरम अभी बना है, तुरंत बिक जाएगी। अच्छा, सबसे ज्यादा डिमांड इसी का है? इसका ज्यादा डिमांड है। तो ये है बिहार में चुस्ता का क्रेज बना है, और भैया बता रहे हैं कि सारा जो बिक जाएगा और क्वांटिटी अच्छा खासा, ये पूरा 10 बजे तक सब बिक जाएगा, ये 10 बजे तक सारा मामला साफ है एकदम, उसी हिसाब से बनता है ना। इसका क्या रेट है? 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो है। तो ऐसे पीस के हिसाब से नहीं है? पीस इसमें नहीं है, पीस इसमें बड़ा होता है ना ये। कोई बड़ा भी होगा, कोई छोटा भी होगा, तो इसके लिए पीस से नहीं बिकता है ये। और साथ में मतलब लर और चुस्ता को एक साथ वेट करते हैं? हाँ, एक साथ वेट करते हैं। आप लर भी सिर्फ ले सकते हैं, चुस्ता भी सिर्फ ले सकते हैं, जो कुछ भी लीजिए 1000 रुपये किलो बस बस। इस तरह देखिए, इंटेस्टाइन वाला जो पोर्शन है वो हो गया, और सारा काम ये काफ़ी यूनिक लगा, मतलब इतने बल्क क्वांटिटी में लड़ चुस्ता जो है वो रखा हुआ है। आमतौर पे मटन में ही 1-2 चुस्ता दिखता है, बट यहाँ अलग से चुस्ता को बनाया गया है। और कितना चुस्ता लगभग है इसमें? इसमें 15 किलो होगा। 15 किलो सिर्फ चुस्ता है? चुस्ता है, लड़ मिला के 15। क्या हो गया? ये हो गया मटन स्टू हो गया आपका। अच्छा, ये हो गया आपका जो कढ़ाई वाला मटन है, मटन स्टू। इसका क्या रेट होता है? ये 1000 रुपये किलो, पीस पर लीजिएगा तो वो 65 रुपये का एक पीस होगा। अच्छा, ऐसे है 65 रुपये का एक पीस, और 1000 रुपये किलो है? जी जी जी। तो मतलब मटन भी 1000 रुपये किलो, और इधर लड़ चुस्ता भी 1000 रुपये किलो जी। ये आपका हांडी मटन होगा। अच्छा, इधर जो है स्टू मटन हो गया, और यहाँ जो है देख सकते हैं ये हो गया हांडी मटन। फेमस डिश ये हो गया आपका, जो कि ज़्यादा डिमांड इसी का रहता है, हांडी मटन हो गया। और एक खोल के दिखा दीजिए लोगों को, ये आपका एनी टाइम चढ़ा रहता है जी। ये देखिए एकदम फ्रेश जो हांडी है उसे खोला गया है, और उसका लुक आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा फेमस डिश जो है यहाँ का यही है। इसका क्या रेट हो गया? ये 1100 रुपये किलो है, 1160 है, फिर GST हम लोग छोड़ देते हैं।
हम लोग देते हैं जीएसटी, लेकिन फिर भी हम लोग कस्टमर से जीएसटी नहीं लेते हैं। 1100 रुपए किलो रेट है, 1100 रुपए किलो है। इसका पीस का कोई हिसाब किताब नहीं है? ये भी 65 रुपए पीस है। अच्छा, ये भी 65 रुपए पीस है। तो 65 रुपए पीस हो गए, और अगर आपको किलो के हिसाब से लेना है तो 1100 रुपए किलो जो है वो ये हो गया। अच्छा, यहाँ ये सिस्टम भी है कि आप कस्टमर को खुद बोल देते हैं कि आप निकालिए? नहीं, निकालेंगे नहीं, हम बोले कि आप देख के निकलवा लीजिए, फिर बाद में देने के बाद में बोलेंगे कि पीस गड़बड़ है, ये है, वो है, तो ठीक अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा। इसके लिए हम बोलते हैं कि देख के आप निकलवा लीजिए। तो आप बना के बाहर रख दिए, जिसको जो मन है वो पीस बोलिए निकल जाए। हाँ, आदमी है यहाँ पे, निकाल देगा जो पीस बोलेंगे वो निकाल देगा। तो इसको खाते किसके साथ है लोग? पराठा के साथ? पराठा होगा, चावल होगा, रोटी होगा। पराठा का क्या रेट है? पराठा 8 रुपये होगा, रोटी 6 रुपये होगा, चावल 40 रुपये प्लेट हो गया। यार देखिए, ये जो है ये हो गया पराठा, इसी के साथ लोग खाते हैं, दुकान का नाम ही है मीट पराठा। मीट पराठा का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ चलता है। क्या कुछ देना है ना? ये दे दे रहा हूँ। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं चुस्ता का साइज, इस साइज का चुस्ता जो एक मिलता है। तो भैया इसको कटवा के मतलब नहीं ले सकते हैं? अब दे देते हैं, अब क्या करें, अब वैसा भी मिल जाता है। दे देते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें से भी आज ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगा। इतना बड़ा सा एक कढ़ाई सिर्फ चुस्ता जो है वो बना हुआ है यहाँ पे। ये साइज़ देखिए, तो बहुत लोग जो है वो सिर्फ चुस्ता खोजते हैं, चुस्ता खाना चाहते हैं। अगर आपको खाना है, मन भर के खाना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ चुस्ता का कोई कमी नहीं है, जितना चुस्ता आप खाना चाहें उतना चुस्ता है। तो अब जो है हमारा खाना जो है वो निकल रहा है, और कुछ कुछ चीज़ को हम लोग ट्राई करने वाले हैं। थोड़ा सा इसमें से भी लेंगे, और थोड़ा सा जो है वो मटन में से भी ट्राई करेंगे। अगर ज़रूरत रहे तो भैया जो है वो कटवा के भी दे देते हैं। तो आप सिंगल आ रहे हैं, थोड़ा सा ट्राई करना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ जो है ये चुस्ता का कटिंग किया जा रहा है, इस तरह से कटिंग वटिंग करके आपको सर्व किया जाएगा। नेक्स्ट जो हांडी मटन है वो निकाला जा रहा है, और यहाँ इस तरह से देखिए तराजू के ऊपर तौल वॉल के दिया जाता है। सारा काम जो है तौल के ही होता है। स्टू भी लीजिएगा तो भी तौलेंगे, और हांडी तो बाय डिफ़ॉल्ट कहीं भी तौला ही जाता है। ग्यारह सौ रुपये के आसपास जो है वो आसपास क्या मतलब एग्जैक्टली 1100 रुपये जो है वो रेट होता है। GST 60 रुपये भैया नहीं लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया लगभग 250 ग्राम मटन। अब जो है ऊपर से जाएगा ग्रेवी, और अब जो है इसमें जाएगा पराठा। यहाँ आ गया हमारा हांडी मटन, उधर आ गया हमारा वो चुस्ता वाला मटन, और साथ में जा रहा है ये देखिए ये पराठा। इधर आके हम लोग टेबल पर बैठ चुके हैं, थोड़ा ऑफ टाइम में आए हैं इसलिए खाली खाली दिख रहा है। अगर दिन के वक्त आप आइएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना पॉपुलर है ये जगह। अभी हम लोग शाम का 5:30-6 खाने का टाइम नहीं है, ये चाय पीने वाला टाइम है। इस वक्त यहाँ आए इसलिए पूरा खाली है, इत्मीनान से वीडियो भी बना, इत्मीनान से खा भी रहे हैं। एक लिए हैं ये जो चुस्ता वाला मटन था वो, जिसमें कि ये मोटा मोटा जो लर है वो दिया जाता है, ये इंटेस्टाइन वाला हिस्सा होता है एकदम, तो मोटा मोटा जो है वो दिया जा रहा है, और साथ में चुस्ता जो है वो मिलता है। रेट बता चुके हैं, किलो के हिसाब से मिलता है। 1000 रुपये किलो जो है वो इसका रेट होता है, कि चर्बी बहुत होता है इसमें, इसलिए आपको इतना रोगन जो है ये मटन का खुद का रोगन, खुद का फैट का जो रोगन है वो दिख रहा होगा। थोड़ा सा ये निकालते हैं बाहर और इसको करते हैं ट्राई। ये ऐसे इसके ऊपर डाला जाता है जैसे मिठाई के ऊपर चाशनी डाला जाता है, उस तरह से ये चुस्ता के ऊपर ग्रेवी को डाला जाता है। इधर जो है ये हो गया हमारा अहुना मटन, इसमें से एक पीस निकाला जाए का मजा सीधे ऐसे लीजिए, ग्रेवी लगाइए, ऐसे खाइए। चुस्ता थोड़ा हार्ड होता है तो आपको दांत ला के अच्छे से च्यू करना होगा, और ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, प्लस मटन के साथ नहीं बना, तो वो जो एक मटन वाला फ्लेवर होता है वो इस ग्रेवी में नहीं है। सिर्फ चुस्ता सेपरेटली बनाया गया, तो हल्का सा वो जो ग्रेवी का फील होता है मटन का जो बोन वाला पीस जब ग्रेवी में बनता है, तो उससे एक जो मटन का स्टॉक तैयार होता है उसका एक अलग फ्लेवर होता है, और सिर्फ चुस्ता को आप बनाइएगा उसका एक अलग फ्लेवर होता है, तो ये थोड़ा अलग लग रहा है। ट्राई करते हैं ये अहुना मटन। ये बहुत सॉफ्ट, ये बहुत बढ़िया, चुस्ता हमको ठीक लगा, ये बहुत अच्छा। चुस्ता ऐसा चीज़ है कि उसका खुद का अपना मतलब एक टेस्ट होता है, एक अपना फैट वाला जो टेस्ट है वो मिलता है आपको,
और अगर वो मटन के साथ बनेगा तो ग्रेवी में थोड़ा मटन वाला स्वाद आएगा और उसका जो अपना टेस्ट है वो आएगा। इसमें हो क्या रहा है कि इसका जो टेस्ट है वो तो आ रहा है, बट चूंकि मटन के साथ नहीं बना था तो मटन का जो स्टॉक वाला टेस्ट होता है वो मिसिंग है। अहुना जो है वो हमको परफेक्ट लगा, बहुत अच्छा अहुना, बहुत ही अच्छा। आप चुस्ता के बहुत शौकीन हैं तो आके आप यहाँ चुस्ता ट्राई कीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा अनहेल्दी सा चीज़ भी होता है। आइए अहुना मटन ट्राई कीजिए या जो कड़ाही मटन है वो ट्राई कीजिए। पराठा का थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और अच्छा लग रहा है कड़ाही मटन जो है इनका, फिर कभी ट्राई करेंगे, आज जो है सिर्फ अहुना मटन ट्राई करते हैं। कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर आप कभी खाए हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत तारीफ़ सुने थे इस जगह का, बहुत लोग यहाँ खा चुके हैं, बहुत पॉपुलर सा जगह है हाजीपुर में। अगर एक जगह हमसे पूछिएगा या लोगों से पूछिएगा कि सबसे पॉपुलर कौन है तो बताएंगे आपको तृप्ति मटन। ख़त्म करते हैं, कॉमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, थैंक यू सो मच।